Hello class, welcome back to your online classes and today we will read EVS. Take out your EVS book. Healthy planet मतलब एक स्वस्थ planet. हम कौन से planet पे रहते हैं class बताइए. We live on earth planet. हम earth planet पे रहते हैं. Now open your book and take out chapter number 4, clothes we wear. इससे previous class में हमने chapter number 3 complete किया था. मैंने आपको ये chapter explain किया था healthy eating कि कौन सी खाने की अच्छी आदतें होती हैं, कैसा अच्छा खाना हमें खाना चाहिए. इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स भी आपने अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट किए हैं. तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4, क्लोथ्स वी वेयर. क्लोथ्स होता है बच्चों ड्रेसेस या कपड़े. वी वेयर, वी मीन्स हम, वेयर मीन्स पहनते हैं. क्लोथ्स वी वेयर, हम जो कपड़े पहनते हैं. आज हम उसके बारे में रीड करेंगे कि हम कैसे मौसम में कैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे कपड़े किस चीज़ों से बने होते हैं, कब हम कौन सी ड्रेस पहनते हैं. तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वी नीड क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी. हमें नीड मतलब ज़रूरत है क्लोथ्स यानी कपड़ों की, टू कवर अवर बॉडी, हमारी बॉडी को कवर करने के लिए, ढकने के लिए. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड, सन एंड इंसेक्ट बाइट्स. जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, हमारी प्रोटेक्ट यानी हमें बचाते हैं. कहाँ, किस चीज़ से बचाते हैं क्लास? हीट यानी गर्मी से, कोल्ड यानी सर्दी से, रेन यानी बारिश से, विंड मतलब तेज़ हवा से, सन मतलब जब सूरज की तेज़ धूप हम पर पड़ती है, एंड इंसेक्ट बाइट यानी कीड़े के काटने से. जैसे कि जब मच्छर काटते हैं तो हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहन लेते हैं ताकि हमारी बॉडी जहाँ जहाँ से कवर रहेगी वो हमें काट नहीं पाएंगे. तो क्लास, जो क्लोथ्स हैं हमें गर्मी से बचाते हैं, सर्दी से. जब बहुत ठंडा मौसम होता है तो आपकी मम्मी आपको गर्म कपड़े पहनाती हैं, ऊन से बने हुए वुलन क्लोथ्स पहनाती हैं, फुल स्लीव्स के होते हैं, कैप पहनाती हैं ताकि आपको ठंड नहीं लगे. तो कपड़े हमारी हर मौसम में रक्षा करते हैं. वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर. वेदर होता है मौसम, स्पेशल डेज और द वर्क वी डू. हम पहनते हैं डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह के कपड़े, काइंड ऑफ क्लोथ यानी तरह के कपड़े, अकॉर्डिंग टू द वेदर मौसम के हिसाब से. स्पेशल डेज या किसी स्पेशल दिन हम स्पेशल कपड़े पहनते हैं, और द वर्क वी डू या हम जैसा काम करते हैं हम वैसे कपड़े पहनते हैं. जैसे पुलिसमैन पुलिस की ड्रेस पहनते हैं, जो आर्मी में काम करते हैं वो सोल्जर वाली ड्रेस पहनते हैं, डॉक्टर वाइट कोट पहनते हैं. उसी तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, और हम अकॉर्डिंग टू वेदर मौसम के हिसाब से कपड़े पहनते हैं. अभी समर सीज़न है, गर्मी का मौसम, तो आप बिल्कुल ढीले ढाले कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं कि आपको गर्मी नहीं लगे. ऐसे कपड़े आप पहनते हैं जिसमें आपको हवा लगे. और स्पेशल वर्क वी डू यानी जो लोग स्पेशल डेज यानी खास दिन पर हम खास कपड़े पहनते हैं. जैसे हम किसी शादी में जाते हैं तो न्यू ड्रेस पहनते हैं, अपने बर्थडे में न्यू ड्रेस पहनते हैं, फेस्टिवल पे न्यू ड्रेस पहनते हैं. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, वूल, रबर, लेदर एक्सेट्रा. ETC means etc. जो क्लोथ्स हम पहनते हैं आर मेड ऑफ, बने होते हैं फ्रॉम डिफरेंट अलग अलग मटीरियल. मटीरियल होती हैं चीज़ें या सामग्री, यानी जो कपड़े पहनते हैं हम वो अलग अलग मटीरियल से बनी होती है. जैसे कि कॉटन, कॉटन होती है रुई. आप सभी ने अपने घर में वाइट कलर की रुई ज़रूर देखी होगी. सिल्क होता है बच्चों रेशम, जो बहुत शाइनिंग वाला कपड़ा होता है सुंदर सा. वूल, वूल होता है ऊन जिससे स्वेटर बनते हैं. रबड़ से भी कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि रबड़ के ग्लव्स होते हैं जिन्हें डॉक्टर्स पहनते हैं, इलेक्ट्रीशियंस पहनते हैं. लेदर होता है क्लास चमड़ा, चमड़े से हमारे शूज़ बनते हैं. तो क्लास लेदर से हमारे शूज़ बनते हैं, पर्सेस बनते हैं. शूज़ मतलब आपके जूते, पर्स होते हैं जिसमें हम सामान रखते हैं या आपके पापा पैसे रखते हैं, वो सब लेदर से बनता है. वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. नीड्स होता है क्लास ज़रूरत. हम जो कपड़े, वी वेयर मतलब हम पहनते हैं क्लोथ्स, कपड़े, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अपनी ज़रूरत के हिसाब से. इन समर, समर होता है गर्मी का मौसम, जो कि आजकल जैसे कि समर सीजन चल रहा है. वी वेयर क्लोथ्स दैट कीप अस कूल. हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें कूल, कूल मीन्स ठंडा ठंडा रखे, मतलब जिसमें हमें स्वेटिंग नहीं हो या जिसमें हमें हवा लगे. कॉटन इज़ यूज टू मेक सच क्लोथ्स. तो जो कॉटन क्लोथ हैं वो कॉटन से बनते हैं. ये कॉटन प्लांट है, देखिए वाइट कलर की ये कॉटन बॉल्स हैं, और कॉटन बॉल्स को प्लांट में से निकालते हैं फिर उससे कपड़े बनते हैं. इट इज़ क्लीन्ड
पहले हम कॉटन प्लांट में से कॉटन को निकालते हैं क्लास, फिर उसे क्लीन करते हैं यानी कि साफ़ करते हैं एंड मेड इनटू लॉन्ग थिन थ्रेड, और फिर उससे लंबा लंबा धागा बनाया जाता है। देखिए आपने ऐसा धागा देखा होगा, कॉटन थ्रेड यानी कॉटन का धागा। द थ्रेड्स आर देन मेड इनटू कॉटन क्लोथ, और फिर इस धागे से कपड़ा बनाया जाता है कॉटन क्लोथ, फिर उससे डिफरेंट ड्रेसेस बनती हैं। देखो सबसे पहले कॉटन प्लांट था, कॉटन प्लांट से हमने थ्रेड बनाया और थ्रेड से हमने क्लोथ बनाए, इस तरह से हमारे कॉटन का ड्रेस बन गया। इन विंटर यानी विंटर होता है सर्दी का मौसम, तो क्लास सर्दी के मौसम में वी वेयर क्लोथ्स दैट कीप अस वार्म, सर्दी के मौसम में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें वार्म यानी कि गर्म रखें। वूल इज़ यूज्ड टू मेक सच क्लोथ्स, तो ऐसे कपड़े जो हमें गर्म रखें वो बनते हैं वूल, वूल यानी ऊन से, आपने ऊन ज़रूर देखा होगा जिससे स्वेटर बनता है। वी गेट वूल फ्रॉम एनिमल्स सच एज शीप रैबिट एंड कैमल, तो हमें जो वूल है यानी ऊन है ऐसे एनिमल से मिलता है जो किन एनिमल से मिलता है, शीप यानी भेड़, रैबिट होती है खरगोश और कैमल होता है ऊंट, ऊंट से इन सब की बॉडी से हमें शीप मिलता है। जैसे कि हमारे बाल, हमारे जब हेयर लॉन्ग हो जाते हैं हम उन्हें कट कर देते हैं, उसी तरह से शीप की पूरी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, वूल होता है, ऊन होता है, और इसको काट लिया जाता है रेजर से और उससे वूल मिल जाता है, हमें ऊन मिल जाता है स्वेटर बनाने के लिए या वूलन कपड़े बनाने के लिए। वूल इज़ वोवन इनटू वूलन क्लोथ्स, फिर वूल को वोवन मतलब होता है बुना जाता है इनटू वूलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़े बनाने के लिए बुना जाता है। तो क्लास अब ये पिक्चर देखिए, ये शीप है, शीप ने हमें वूल दिया, इससे हमने वूल बनाया और वूल से हमने वूलन क्लोथ्स बना लिए यानी अपने ऊनी कपड़े बना लिए। ये कॉटन प्लांट इस तरह से बना और वूलन सॉरी कॉटन क्लोथ इस तरीके से बना और वूलन क्लोथ इस तरह से हमें मिला, जैसे कि पिक्चर में एक्सप्लेन किया गया है। नाउ टर्न द पेज, कम टू पेज नंबर 118। वी ऑल्सो वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिल्क इन विंटर, सर्दियों में हम एक और तरह से कपड़े जो सिल्क से बने होते हैं उन्हें पहनते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, जो सिल्क का कपड़ा होता है उसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है, बहुत चमक होती है। आपकी मम्मी के पास सिल्क की साड़ी होगी तो आप उसे देख सकते हैं, और जो सिल्क है हमें वो सिल्क वॉर्म से मिलता है यानी रेशम के कीड़े से मिलता है जो कि मलबेरी ट्री में रहता है। शहतूत के पेड़ पे रेशम का कीड़ा होता है, उस कीड़े को पानी में, गर्म पानी में डालते हैं और फिर उसकी बॉडी में से रेशम का धागा निकलता है, फिर उससे रेशम का जो है कपड़ा बनता है, सिल्क कपड़ा बनता है। सम पीपल वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ एनिमल स्किन और फर, कुछ लोग एनिमल की स्किन, एनिमल की खाल से यानी एनिमल की चमड़े से बने हुए या एनिमल के फर यानी एनिमल के बालों से बने हुए कपड़े भी पहनते हैं। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल, जो चमड़ा होता है, लेदर होता है जिससे हमारे शूज़ बनते हैं वो भी एनिमल की स्किन से मिलता है, स्किन यानी कि त्वचा, खाल, जानवरों की खाल से मिलता है, सच एज बफेलोज जैसे कि भैंस, गोट यानी बकरी, स्नेक्स मीन सांप, क्रोकोडाइल्स होते हैं मगरमच्छ एंड रैबिट्स। तो इन सभी एनिमल्स की जो ऊपर जो स्किन होती है इसको उतार कर और उससे भी कपड़े बच्चों बनाए जाते हैं। देखिए कौन से कपड़े बनते हैं हमारे लेदर से, वो होती है जैकेट जिसे सर्दी में पहनते हैं, वॉलेट जैसे मैंने आपको बताया था, पर्स जिसमें हम पैसे रखते हैं, जैकेट एंड कैप, पर्स या बैग, और ये पर्स है, तो ये सभी चीज़ें हमारी लेदर से बनती हैं। इट इज़ नॉट गुड टू किल एनिमल्स फॉर देयर स्किन, कभी भी हमें जानवरों को किल मतलब होता है जान से मार देना, जान से मारना उनकी स्किन निकालने के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखिए उन्हें भी बहुत पेन होता है। इन रेनी सीजन, रेनी सीजन होता है क्लास बरसात का मौसम, पहले हमने पढ़ा समर सीजन में कैसे कपड़े पहनने हैं, फिर हमने पढ़ा विंटर सीजन में कैसे कपड़े पहनने हैं, अब हम पढ़ेंगे कि हमें रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में कैसे कपड़े पहनने हैं। वी यूज़ रेनकोट, हम रेनकोट पहनते हैं, गम बूट्स एंड अम्ब्रेलाज, और अम्ब्रेलाज लेते हैं, गम बूट्स पहनते हैं, देखिए ये रेनकोट है, ये गम बूट्स हैं, ये लंबी लंबी जूते होते हैं और ये अम्ब्रेला है, तो ये जो अम्ब्रेला, रेनकोट और गम बूट होते हैं ये सब हमें बारिश से बचाते हैं, बारिश की बूंदे, जैसे आपने जो अभी कपड़े पहने हैं कॉटन क्लोथ्स, अगर आप उन्हें पहन के बारिश में जाएंगे तो वो गीले हो जाएंगे और आप भी गीले हो जाओगे, लेकिन अगर आप रेनकोट, अम्ब्रेला, गम बूट पहन कर जाओगे तो आप कभी भी गीले नहीं होगे, जो रेन ड्रॉप हैं बारिश की बूंदे इनके ऊपर गिरती हैं और फिसल कर नीचे गिर जाती हैं और आपके कपड़े गीले होने से बच जाते हैं। These things are made from rubber and plastic. तो ये रबड़ से और प्लास्टिक से बनती हैं। We get rubber from rubber tree. जो रबड़ होता है वो हमें रबड़ के ट्री से, रबड़ का एक पेड़ होता है उससे मिलता है।
पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू. लोग खास कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क. वर्क मतलब जो काम वो करते हैं उस हिसाब से वो खास कपड़े पहनते हैं. दीज आर कॉल्ड यूनिफॉर्म. उन्हें हम कहते हैं यूनिफॉर्म यानी वर्दी. हेयर आर सम सच यूनिफॉर्म्स. यहाँ पे कुछ यूनिफॉर्म बनी है. देखिए ये नर्स की यूनिफॉर्म है, देखने से पता चल रहा है. ये पुलिस मैन है, ये एक शेफ़ हैं जो खाना बनाते हैं, ये एक फायर फाइटर हैं जो कि आग बुझाने का काम करते हैं, और ये एक एस्ट्रोनट हैं यानी कि जो स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं. ये उनके कपड़े हैं. सो क्लास आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. आपको ये चैप्टर अपने घर में दोबारा से वर्ड टू वर्ड रीड करना है और दोबारा से जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो समझना है. तो क्लास जैसे कि मैंने आपको अभी चैप्टर रीड करवाया, ये घर में आपको चैप्टर फिर से रीड करना है. और चैप्टर रीड करने के बाद आपको अपनी नोटबुक में जो काम करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में डेट डालनी है मार्जिन 9 में, और उसके बाद में सबसे ऊपर लिखना है लेसन नंबर 4, और फिर लेसन का नेम लिखना है क्लोथ्स वी वेयर यानी कपड़े जो हम पहनते हैं. फिर आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन मतलब परिचय कि हमने इस लेसन में क्या रीड कर रहा है, व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर.